हेलो स्टूडेंट, मैं आशा मैम गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर की टीचिंग ऑफ पंजाबी में यूनिट नंबर 5 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, दृष्टि स्रोत सामग्री तो की भाव है अते इसकी की महत्ता है। दृष्टि स्रोत सामग्री नू सरल शब्दों विच देखन सुनन सामग्री भी आख्या जाता है। यह सामग्री किसी भी विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट, रोचक, प्रभावशाली और स्थाई बनाती है। अध्यापक विद्यार्थियों को ज्ञान देने समय जेड़ी देखन सुनन सामग्री की वरतों करता है उसको ही दृष्टि स्रोत सामग्री आख्या जाता है। सीखने का मूल सूत्र भी है मूर्त तो ऐ मूर्त वल, मीनस कि किसी वस्तु को देख के फिर उसके बारे जानकारी लेना। असल विच सानू बारी ज्ञान साडियां ज्ञानेंद्रियां राही ही हुंदा है। इन्हां ज्ञानेंद्रियां विचों अखां प्रमुख साधन हुंदियां हन। किसी भी वस्तु ते दृष्टि पैंदिया ही सानू उसका साधारण ज्ञान हो जाता है। इसलिए मूर्त वस्तु ही ज्ञान प्रदान करन दा सफल साधन हुंदा है। इसलिए शुरू तो ही दृष्टि संबंधित सामग्री का ही सहारा लिया जाता है। फिर दृष्टि सामग्री के नाल नाल सुनन सामग्री राही कन्ना नू भी ज्ञान प्रदान करन दा माध्यम बनाया जाता है। दृष्टि स्रोत सामग्री नाल विद्यार्थी जिज्ञासु बनते हैं अते अपने विषय प्रति वध रुचि लैन लगते हैं। किसी भी अध्यापक लई किसी भी विषय के अध्यापन का सब तो उपयोगी माध्यम जिहड़ा हुंदा है वह दृष्टि स्रोत समग्री ही हुंदा है। किंडर ने दृष्टि स्रोत समग्री की परिभाषा दिंदे हुए कहा कि दृष्टि स्रोत समग्री कोई भी अजिहा यंत्र हुंदा है जो किसी भी विषय वस्तु नूं वधेरे प्रभावशाली, वधेरे ठोस, वधेरे वास्तविक अते वधेरे गतिशील बनाउंदी है। दृष्टि स्रोत सामग्री की जरूरत की है या इसकी महत्ता की है? अज ओही अध्यापक आदर्श अध्यापक अखवांदा है जेड़े अपना विषय वस्तु नू रोचक या फिर दृष्टि स्रोत सामग्री राही प्रस्तुत करता है। वर्तमान शिक्षा विच अध्यापन अंदर नवीनता ल्याउण लई अजिही सामग्री का उपयोग जरूरी हुंदा है। दृष्टि स्रोत सामग्री नाल असी बच्चे नू प्रत्यक्ष अनुभव करवा सकते हाँ। जोसफ अते वेबर ने भी कहा कि असी 40% ज्ञान अपनिया अखां राही, 25% ज्ञान अपनिया कन्ना राही, 17% ज्ञान असी छूवण राही, 15% ज्ञान असी भिन्न भिन्न शारीरिक अनुभवों राही ते 3% ज्ञान असी स्वाद राही लेंदे हाँ। इसलिए 65% ज्ञान प्राप्ति विच जिहड़ी दृष्टि स्रोत सामग्री हुंदी है वह सहायक हुंदी है। इस दे जरूरत दे या इस दे महत्व दे कई आधार भी हन। नंबर एक पॉइंट है कि स्थाई रूप विच सीखण अते समझण लई सहायक। जिहड़ी दृष्टि स्रोत सामग्री हुंदी है इस नाल सिख्या होया ज्ञान वधेरे समय तक स्थाई हुंदा है। नंबर 2 रोचकता, जिथे अध्यापक दी मौखिक अभिव्यक्ति घट प्रभावशाली महसूस हुंदी है उथे दृष्टि स्रोत सामग्री पाठ नू रोचकता प्रदान करन विच सहायक हुंदी है। नंबर 3 समय अते ऊर्जा दी बचत, दृष्टि स्रोत सामग्री दा प्रयोग करके अध्यापक अपने समय अते ऊर्जा दोवां दी बचत कर सकता है। नंबर 4 भाषा संबंधी औंकड़ा नू दूर करन लई, जिथे बच्चियां नू भाषा संबंधी कुछ समस्यावां आंदियां हन उन्हां विच दृष्टि स्रोत सामग्री प्रभावशाली सिद्ध हुंदी है। नंबर 5 शब्दावली विच वाधा, दृष्टि स्रोत सामग्री नाल बच्चियां दी शब्दावली विच भी वाधा हुंदा है। जिवें बच्चे रेडियो, टीवी, चलचित्र, वीडियो आदि नू सुनदे हन फिर बच्चे उन्हां विच आए शब्दां दा अनुकरण करदे हन या दोहराई करदे हन
फिर उन्हां शब्दां नूं लोड़ अनुसार अपने वाकां विच प्रयोग करते हैं जिस नाल उन्हां दा शब्द भंडार विच वाधा हुंदा है। नैक्सट पॉइंट है प्रत्यक्ष अनुभव का विकल्प। प्रत्यक्ष अनुभव राही उत्तम सिक्ख्या दित्ती जा सकती है, परंतु श्रेणी कमरे विच हर वार प्रत्यक्ष अनुभव करवाना साडे लई संभव नहीं हुंदा। जिवें मन लो कि तुसी पंजाबी भाषा की श्रेणी विच गां दे प्रमुख अंगा दे नाम बारे बच्चों नूं जाणू करवाना है, तो असी बच्चों नूं चित्र राही या गां दा चित्र बना के बच्चों नूं गां दे प्रमुख अंगा दे नाम बारे जाणू करवा सकते हाँ। नंबर 7 अनुभव सहित अध्यापन। मनोविज्ञानिकां दे अनुसार रटे हुए ज्ञान नालों अनुभव नाल दिता होया ज्ञान वधेरे पक्का ते प्रभावशाली हुंदा है। ये दृष्टि स्रोत समग्री की विशेष महत्ता है। नंबर 8 नवीनता। दृष्टि स्रोत समग्री दे नाल अध्यापक अपने विषय विच नवीनता ते भिन्नता भी लिया सकता है। नंबर 9 क्रियाशील भागीदारी। पिछले समय दौरान अध्यापक अध्यापन का खेतर अध्यापक की क्रियाशीलता का ही खेतर सी। अध्यापक का काम ज्ञान वंडना सी ते विद्यार्थी उस ज्ञान नू सुनदे सन ते विद्यार्थी की भागीदारी नाम मात्र दी ही सी। दृष्टि स्रोत समग्री दे स्रोत ने स्थिति विच परिवर्तन लिया दिता अते अज दा विद्यार्थी क्रियाशील भागीदारी बन गया है। हुण विद्यार्थी अते अध्यापक दोवां दी बराबर दी भागीदारी हो गई है। नंबर 10 समावेशी सिक्ख्या लई महत्व। समावेशी सिक्ख्या दी धारणा यह है कि जिस दे अधीन आम बच्चे ते मंद बुद्धि बच्चे दोनों नूं इक्को छत हेठां सिक्ख्या ग्रहण सिक्ख्या देना। पहलां दे समें विच इन्हां बच्चों लई वक्रे वक्रे स्कूल हुंदे सन, लेकिन दृष्टि स्रोत समगरी दे नाल इन्हां दोनों प्रकार दे बच्चों नूं इक्को छत हेठां बैठ के पढ़ाउणा सफल हो गया है। हुण दृष्टि स्रोत जिहड़े साधन हन इन्हां दी वर्ग वंड किवें कीती जावे। स्रोत साधन की हुंदे हन ते दृष्टि साधन की हुंदे हन। स्रोत साधन ओह हुंदे हन जिहड़े सुनण प्रक्रिया राही ज्ञान प्रदान करन वाले साधन हुंदे हन, उहनां नूं स्रोत साधन आख्या जांदा है। जिवें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, लाउड स्पीकर एदां दे। दृष्टि साधन किहड़े हुंदे हन? सिर्फ देखण दी शक्ति राही ज्ञान प्रदान करन वाले साधन दृष्टि साधन अखवांदे हन, जिवें चार्ट, ब्लैकबोर्ड, पोस्टर, ग्राफ है, कोई मॉडल है, इस तरह दे ये साडे दृष्टि साधन हुंदे हन। थैंक यू।